फारूक की वाइफ बात कर रही हूँ। फारूक को जो है ना पुलिस वालों ने ज्यादती करी, उसको पकड़ के गोलियां मारी हैं तीन, और उसको तशद्दुद कर करके उससे बयान ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुझे मार देंगे, तू बयान दे जो हम तुझे कह रहे हैं, और उसको कह रहे हैं हम तेरा इनकाउंटर कर देंगे और तेरा इलाज भी नहीं करवाएंगे, और उसको यहाँ पे इमरजेंसी में लेकर आए, उसको फिट्स पड़ रहे थे, झटके पड़ रहे थे, हम कह रहे थे, वो कह रहे थे बंदा मरता है मर जाए लेकिन हम उससे नहीं लेकर आएंगे जब तक तुम हमें पैसे नहीं दोगे, और कह रहे थे कि हम लोग एक हफ्ते तक रिमांड के लिए इसको यहीं पे रखेंगे। पैसे किस चीज के मांग रहे थे आपसे? पैसे इस चीज के मांग रहे थे, कह रहे थे अगर तुम अपने बंदे की जान चाहते हो, जान बचाना चाहते हो, तो तुम जो है ना हमें पैसे दो मांग रहे थे। जी पुलिस वाले मांग रहे थे। जी जी मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, और मेरे से बात की कि मेरी बहू को ना उधर रखेंगे एक रात, एसी वाला कमरा भी देंगे और बहू को वहाँ छोड़ दो, आप अपने बेटे के पास रुकना और बहू को हमारे पास छोड़ना। कुर्बान वाली ने ये मेरे से बातें की हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जब से बात चल रही है तब से हमें बोल रहे हैं कि 1.5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, यही रफा दफा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, जब कुछ किया ही नहीं तो क्यों ऐसा होगा? बोल रहे जो ना मालूम फरात ने किया ना लूटमार, वो इस पे डाल देंगे। अगर आप आईओ साहब से मिल लोगी, कोई चीज़ उनको दे दोगी, तो ये यही मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, जब होगा मैं बात कर लूँगी। 18 दिनों में ये हमें बुला रहे हैं, इनसे आज बात हुई है, इन्होंने बोला चलो बच्चे की ज़िंदगी आपके बचती है तो कल बात कर लेते हैं लेन देने की। अभी भी इस बात पर यहाँ एमरजेंसी में छोड़ के गए हैं कि कल लेने देने की बात होगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा टांगों से मजदूर हो गया, उनको रात डलवाए सूद पे उठा के, बस जाती कर रहे हैं हमारी लेडीज के साथ।